गुड मॉर्निंग टेंथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पाठ दो वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ेंगे। इसके पहले हम संसाधन और विकास पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मानवीय निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीव। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू वेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। तो जिस ग्रह पर हम रहते हैं यानी पृथ्वी हमारा ग्रह है। और ये कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है और इस पर जीवन है। जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी है, वायु है, इसलिए यहाँ पर जीवन है। तो सूक्ष्म जीव कौन से जीव? जो हमें खुली आँखों से दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, और इन्हें देखने के लिए हमें दूरदर्शन का प्रयोग करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। और बैक्टीरिया जो भी हमें दिखाई नहीं देते, जोंक, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े हाथी, ब्लू व्हेल तक जो करोड़ों जीवधारी हैं, वो सब यहाँ पर निवास करते हैं और यही इनका आवासीय स्थल भी है। अब जैव विविधताओं से भरा हुआ है पूरा ग्रह। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण भी करते हैं और इसका हिस्सा हम भी हैं। अपने अस्तित्व के लिए हमें अलग अलग तत्वों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वायु हो, जल हो या मृदा हो। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, उपयोग में लाते हैं, और मृदा यानी जहाँ पर अनाज पैदा होता है और जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरताओं में जटिल जाल है और एक तंत्र में गुथी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व में समृद्ध देश है, समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है और ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं। अब आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो ये विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव भी पड़ा है। अब भारत में कितनी प्रजातियां हैं वन्य? 10% वन और वनस्पति जात में, और स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है और वो कितनी है? 20%। तो इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त मतलब पूरी तरह से गायब होने के कगार पे है, और अगर ये गायब हो जाती है तो सिर्फ इनके बारे में हम किताबों में ही पढ़ पाएंगे। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म, और हुबड़िया यानी हेप्टा न्यूरॉन यानी घास की प्रजाति जो पौधे में शामिल है, ये वनस्पति जगत से है।
तो वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित हैं, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब लुप्त होते वन के बारे में हम जानेंगे। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 80,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। देश में कितना है ये अनुमान लगाया गया है कि इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वन्य, और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी 24.56% हिस्सा है। और सघन वन कितना है, 12%, खुला वन 9% और मैग्रोव 0.15% है। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्या पता चलता है कि वर्ष 2017 से सघन वनों के क्षेत्र 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और यहाँ पर एक चित्र भी दिया है। परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों और प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से संभव हुई है। तो आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN के अनुसार इसको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब वो श्रेणियाँ क्या है? सबसे पहली श्रेणी आती है सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे अब कौन कौन सी है वो जाति, एक तो है पशु, साल, चीड़, कृंतक यानी रोडेक्स। इसके बाद आता है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वो जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन पर संकट मंडरा रहा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। अब वो जातियाँ कौन कौन सी है, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब सुभेद क्या है, सुभेद जातियां हैं। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है और यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन ये। फिर आता है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या भी बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं बल्कि परिवर्तित होती रहती है और संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में यह आ सकती है। अब आता है स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक और भौगोलिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है। उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख पाई जाती है। अब ये कहाँ चली गई ये सारी जातियाँ, जो एशियाई चीता है वो कहाँ चला गया? तो यहाँ पर कुछ एक जानकारी दी है कि भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है, चीता। बिल्ली परिवार का यह एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य, 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान होता है, जो इसकी पहचान है, जो इसे तेंदुए से अलग करता है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका, एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। और भारत में तो यह जाति बहुल पहले 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई है। अब सोच लो कि 1952 मतलब कितने साल पहले ही यह चीता लुप्त हो गया है। और ये कौन सा चीता है, एशियाई चीता, और जिसकी रफ्तार कितनी थी, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।